इनकी नई चाल का खुलासा हिंदी समझने वाले तिब्बती और नेपालियों की हो रही सेना में भर्ती। भर्ती किए गए लोग भारत से सटे बॉर्डर इलाकों में रहेंगे। यूएनएससी मुख्यालय में स्थापित होगी महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा। एस जयशंकर करेंगे अनावरण। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के परिसर में प्रतिमा का करेंगे अनावरण। यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिटेन ने दिया समर्थन। विदेश मंत्री ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा ब्रिटेन स्थायी सदस्य रूप में भारत ब्राजील जापान का स्वागत करना चाहता है। नवाज शरीफ का यू टर्न। बोले देश के लिए इमरान खान से मतभेद दूर करने को तैयार। देश के खाते इमरान खान के साथ, आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए तैयार। 82 देशों पर चीन का प्रभाव। नंबर एक पर पाकिस्तान, लिस्ट में जर्मनी और अमेरिका का नाम भी शामिल। तवांग पर रक्षा मंत्री का 3 मिनट का जवाब। बोले हाथापाई में दोनों तरफ के सैनिकों को आई चोटें। हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। मोदी के हत्या वाले बयान पर कांग्रेस नेता को जेल। कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अरुणाचल में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ी। 600 को खदेड़ा। चीन ने घटना का जिक्र नहीं किया, बस बोला सीमा पर हालात स्थिर। दिल्ली में संसद पर हुए हमले को 21 साल पूरे। पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। हमले में हुई थी 10 लोगों की मौत। भिंड में पंडित बांके बिहारी महाराज जी की जन्मभूमि लहरोली में 27 जनवरी से कथा प्रारंभ। मसानी माता के मंदिर लहरोली में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक होगी कथा। गाजियाबाद के लूनी में फैक्ट्री की छत से कूदा युवक। टोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री की छत से कूदा युवक। युवक की हालत है गंभीर। चमोली में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार गोपेश्वर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ होगी बैठक। योजना का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। ग्रेटर नोएडा में आईसर कैंटर और एम्बुलेंस की भिड़ंत। आधा दर्जन लोग हुए घायल। दादरी कोतवाली क्षेत्र के गांव की घटना। दो पक्षों में कहासुनी होने के बाद एक पक्ष ने चलाई गोली। रास्ते को लेकर विवाद। आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर के कल्याणपुर गांव का मामला। भिंड में महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। महिलाओं पर अत्याचार होने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रेखा भदौरी के नेतृत्व में महिलाओं ने दिया ज्ञापन। पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। रात में घर से बुलाकर की युवक की हत्या। हत्या के बाद गांव में सनसनी। काफल भैरेवाड़ी का मामला। भोजन की थाली छूने पर दलित युवक को पीटा। बहुभोज में निमंत्रण खाने गया था युवक। 8 पर मुकदमा दर्ज। गोंडा के नौबस्ता गांव का मामला। जबलपुर में अवैध पार्किंग व्यवस्था के कारण लोगों को परेशानी। बिजो नगर क्षेत्र में HDFC बैंक के सामने अवैध पार्किंग है। परेशानी को लेकर बैंक प्रबंधन को अवगत कराया। अनियंत्रित कार सड़क से 300 फुट नीचे खाई में अटकी। चालक की गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़कर खाई में गिरा। युवक की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का मामला। हरिद्वार के पत्रकार नरेश तोमर का सम्मान। नवीन साड़ी एम्पोरियम पर महंत प्रेमदास जी महाराज ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। जनहितेशी काम और नवजात बच्चे को मां से मिलाने पर सम्मान। पद्मनाभपुर में उद्योगपति के घर में लगी आग। सिलेंडर फटने से लगी आग। करीब 25 लाख का सामान जलकर राख। आग लगने के कारण अज्ञात। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे कर्णप्रयाग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गोपेश्वर में 5 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली योजना का लोकार्पण और शिलान्यास। लखनऊ में यजदान अपार्टमेंट पर शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। पुलिस बल के साथ प्राधिकरण की टीम गिरा रही अवैध निर्माण। प्राधिकरण के जोन 6 में चला बुलडोजर। रोड दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हुई मौत। हादसे के बाद मृतक का शरीर हुआ छत बिछत। गोलापुर नागपुर हाईवे पर सांगली के नीलची बामनी गांव का मामला। मंगलौर में पंचायत चुनाव के बाद पहली बार गाँव के विकास के लिए बैठकों का दौर शुरू। लाठर देवा हूण गांव में विकास खंड कार्यालय के अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी बैठक।